हमने कहा 5000 वाली टिकट है तो भाई पूरा मैच देखने जाओगे, क्योंकि हमारे लंदन राहुल की भी एक डिफरेंट स्टैंड में थी, सारी टीम गई हुई थी हमारी, पूरे ग्राउंड में फैले हुए थे लड़के। तो क्या हुआ, वासु के पापा आए, मैच खत्म होता 4:30 बजे, वासु के पापा पहुंचे 4 बजे। हमने कहा अंकल अब क्या करने आए हो, कौन से डे, फर्स्ट डे का बताता हूं। अंकल कहते नहीं बेटा मैं सुबह उठा, मैंने लंच के बाद देखा मयंती लंगर आई हुई है, तो मैं तो मयंती को देखने आया हूं। Hey, what's up? Good morning. Welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. So we'll be starting a vlog here with the same energy, the same intensity. मैं बहुत कम उठते टाइम ही व्लॉग करता हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है उठते टाइम ही ऐसे कैमरा उठाना, बट टुडे इज द डे जब मैंने सोचा कि आज उठते टाइम से लेके पूरे दिन व्लॉग करेंगे। बट इट इज अ गुड सनी डे आउट हियर इन दिल्ली, और आज के भी अच्छे खासे प्लान है। बाय द वे आज के प्लान में क्रिकेट भी है, आज अगर वो डाइसी है, अब अगर हुआ तो ठीक है, व्लॉग के सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। बट फॉर नाउ गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। सो एज यू ऑल नो आई एम ग्रोइंग माय हेयर, एंड विंटर्स में हमारे बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वी आर जनरली वेरी केयरफुल अबाउट अवर हेयर, बट हम लोगों की स्कैल्प अनहेल्दी हो जाती है, जिसमें डैंड्रफ सबसे एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है। एंड टू गेट आउट ऑफ दैट यू नीड दिस मामाअर्थ लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड द कंडीशनर, एंड द मेन की इंग्रेडिएंट इन दिस रेंज इज लेमन एंड जिंजर। सो लेमन कीप्स द डैंड्रफ एंड द फ्लेक्स अवे, ऑल्सो द जिंजर सूदन्स द ड्राइनेस एंड इचनेस ऑफ द स्कैल्प। एंड इसमें एक की इंग्रेडिएंट है जिंक पायरीथियोन, जो की हेल्प करता है आपके बालों पर डैंड्रफ तो हटाता ही है, बट उसके साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें कोकोनट ऑयल भी है, जो कि आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, वो जो ब्रेकेज होती है उसको कम कर देता है। ऑल्सो दिस कंडीशनर एंड द शैम्पू बोथ आर मेड सेफ सर्टिफाइड, दैट मींस यू कैन यूज देम ऑन द डेली बेसिस, इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल, एंड इस अंदर कोई भी केमिकल्स वगैरह यूज नहीं करेंगे व्हाइल मेकिंग दिस प्रोडक्ट। द बेस्ट थिंग अबाउट मामाअर्थ, इफ यू बाय फ्रॉम देम, मामाअर्थ लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, दैट मींस आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, मतलब प्रोडक्ट भी खरीदो और साथ में एनवायरनमेंट का फायदा। एंड मामाअर्थ इज ऑल्सो क्लेमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025। हम सब लोगों को पता है मामाअर्थ की ऑनलाइन वेबसाइट तो है ही है, बट अब ऑफलाइन स्टोर्स में भी आप लोग मामाअर्थ के प्रोडक्ट खरीद सकते हो, कोई भी केमिस्ट या जनरल स्टोर पे। बट अगर आप लोग ऑनलाइन खरीद रहे हो तो मेक श्योर करो कि मेरा एक कोड यूज करो, मामाअर्थ की सिर्फ वेबसाइट पे चलेगा, एंड आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप लोगों को मामाअर्थ की वेबसाइट से नहीं खरीदना तो आप लोगों के पास अमेजन, नाइका, फ्लिपकार्ट के भी ऑप्शन है, बट यस मेरा कोड है, यहाँ पे जाके खरीदेंगे तो तुम्हारे भाई का भी फायदा होगा और मामाअर्थ का भी फायदा होगा, आपका तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं और के अभी एक मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, एक शहजादा करके मूवी आई है, 2 बजे मूवी का टाइम है, एंड अभी हो रहे हैं 1:47 PM, 13 मिनट बाद मूवी स्टार्ट हो जाएगी, अभी तो किसको पिक भी नहीं कर रहा है। चलो यार, जब जाम नहीं चाहिए होता तभी होता है, तो स्कूल के टाइमिंग में निकल रहे हैं हम लोग, अभी सबकी बसेज आ रही होंगी, बट सारे ट्रैफिक को चीरते हुए निकलेंगे हम लोग। अरे मैडम आ गई क्या? गर्मी लग रही है, कुतने जैकेट पहनी हुई है, ग्रीन वाली हुडी मिल गई, कहाँ मिली यार, वैसे ठंड खत्म ही हो गई यार, एक्चुअली बहुत गर्मी, मेरे को जैकेट में भी गर्मी लग रही है, मतलब मैं हुडी इसलिए पहनी हूँ ताकि मैं शाम के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, तो मेरे को अभी बीमार नहीं पड़ना है, शाम को तो ठंड नहीं होगी, बस थिएटर में ठंड होगी, मैं तो हुडी उसी के लिए लेकर आई हूं। बट मेरे को ना वाली मेमोरीज आती हैं कि जब हम लोग ना होली खेला करते थे और पानी से, बिल्कुल, क्योंकि होली के टाइम पे थोड़ा मौसम चेंज हो रहा होता है। ऑल्सो गाइस आई एम रियली रियली सॉरी कि मैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखने नहीं जा पाया और आपको मैं दिखा नहीं पाया अपने ब्लॉग के, तो बट उसके पहले मेरे को अपने लिए रिग्रेट हो रहा है, क्यों 3 दिन में खत्म हो गया, क्यों। कोई नहीं, अभी वैसे आईपीएल के बहुत सारे मैचेस आएंगे, इस बार तो सिर्फ मुंबई में नहीं हो रहे जैसे लास्ट ईयर हुआ था, इस बार अपने अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, सिटीज में होंगे, मजा आएगा। बाय द वे गाइस, मैंने व्लॉग में बताया ही नहीं कि मेरा इंस्टा वेरीफाई हो चुका है, थैंक यू। मिठाइयाँ भिजवाई थी, मिल्क केक भिजवाए थे, मैंने कहा वाह इतनी खुशी मेरे को भी नहीं हुई जितनी इसको। केतन को मैंने ही बताया था कि उसका वेरीफाई हो गया, तो हुआ ये था। वैसे इन अभी बहुत लोगों के हो चुके हैं शेड्यूल में भी, यू गाइस नो, बट मतलब मैंने बाय डिफॉल्ट ऐसे ही कर दिया कि आप लिखे, वो खाली बैठा था मैं दोपहर को 2 बजे, मैंने फॉर्म भर दिया, एडिट वेडिट सब हो गया था, फिर मैं फॉर्म भर के बैठा ही था, कुछ चिल विल कर रहा था, अभी चल रॉन्ग साइड जाने के, रोड कब खराब कर दी भाई इन लोगों ने, पता नहीं दिल्ली से बाहर जाओ तो ये रोड खुदाई हो जाती है, कभी नहीं बनने लग जाती है। तो फिर 5 बजे के आसपास के का कॉल आया कि केतन तेरा इंस्टा वेरीफाई हो गया है। डीएम्स देख रही थी, मैंने कहा ये कौन है जिससे वेरीफाइड, जिससे मैं बात करती हूँ इतना। तो यार 3:50 वाला शो देखेगा आराम से, अब नहीं हो पाएगा ये। अरे बट 3:50 बोल रहा हो जाता है कभी कभी, हम लोग 3:50 वाली मूवी देखेंगे, स्लिप ऑफ टंग और यू कैन से टंग ऑफ स्लिप हो जाती है। गाइस हम लोगों ने अभी ये मेट्रो देखी, इसमें देखो गैलेक्सी
सी S23 को, पूरा रैप करा हुआ है S23 अल्ट्रा को, एंड के थोड़ा रिलेट कर पा रही है इस चीज से. व्हेन इट्स योर फर्स्ट कोलैबोरेशन इन, यू जस्ट वांट टू गिव इट ऑल इन. गाइस ये जो सीरीज है फुर्सत नाम की, जिसमें शाहिद कपूर लीड एक्टर है, आईफोन 14 प्रो से बनी है, एंड मैंने इसका स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड देखे हैं. भाई क्या शूट करा हुआ है. ऑल्दो उन लोगों ने लेंसेज थोड़े से डिफरेंट यूज करे हैं, एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स वगैरह लगा के, बट इट इज स्टिल लुकिंग गुड. यू कैन वॉच इट. मैंने भी पूरी नहीं देखी है अभी. मैंने द रोमांटिक्स पूरी करी है. भाई क्या सीरीज है वो. एवरी इंडियन शुड वॉच दैट. बाकी सारी चीजें नॉन स्पॉन्सर्ड है, ये जस्ट मैंने जो फील करे और जो मैंने चीज देखी है वो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ. थैंक यू. आई नो दैट यार, आई नो दैट वेरी वेल. Please just shut up. You shut up. मजा आया. Guys, thank you for watching this vlog. Bye. Take care. Peace out. आपने कभी बीबी की वाइंस की वीडियो देखी है? हाँ, एक बार देखी, but it's not something that interests me. हम लोग आज मूवी देखने के लिए जा रहे हैं शहजादा. किन किन लोगों को याद है भुवन भाई ने वो एक डायलॉग में यूज करा, मेरे शहजादे के लिए शेरवानियां मंगवा. चलें, हमारा शो स्टार्ट होने वाला है. 3:50 का था, 4:02 हो गई है. अभी तो एड्स चल रही हैं. अभी टाइम है, अभी स्टार्ट हो गई शायद. तो गाइस, आप में से कितने लोगों को पता है कि जब वी मेट अभी बहुत सारे थिएटर्स में चल रही है अभी. एक्चुअली डायलॉग याद आ गया इसको, बट जब वी मेट इज लाइक बच्चा बच्चा वाली मूवी. DDLJ आज तक चल रही है, 1000 हफ्तों से ऊपर हो गए हैं. DDLJ आज के डेट में मुंबई के थिएटर्स में लगी हुई है. ये चीज मेरे को पहले पता नहीं थी, बट आफ्टर वॉचिंग द रोमांटिक्स पता चला. इट इज स्टिल अलाइव इन सिनेमाज. चलो गोली बेटा. सुन लोग, अभी मूवी देख के बाहर निकले. हाउ वाज द मूवी इफ यू वांट अ रेट? 6 out of 10. ऐसी ही थी सही में, क्योंकि अगर डायरेक्टर को जो जिस तरीके से जो दिखाना था उसने वो दिखाया, बट इट वाज कॉमेडी मूवी, तो लाइक इट वाज फाइन. एंड कॉमेडी मूवी में परेश रावल का एक्चुअल कुछ ज्यादा रखा नहीं था. इट वॉज मोर अबाउट कार्तिक आर्यन टाइप की मूवी. सीरियस उनका था ना, क्योंकि पता है प्रोड्यूसर भी कार्तिक आर्यन है इस मूवी का. हाँ, मैं ये सब चीजें देखता हूँ क्योंकि कौन डायरेक्टर है कौन प्रोड्यूसर है. 4 गाने डाल के ना हिटे कर दिया, और पांचवा तो मैं स्किप कर कर आई हूँ लास्ट में जो आ रहा था. बट अभी इसको ड्रॉप करूंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल गो फॉर बॉक्स क्रिकेट, क्योंकि आज बॉक्स क्रिकेट नाइट है 9 to 11. जस्ट गॉट फ्रेश, अभी निकलेंगे आधे घंटे के आसपास. सारे दोस्त वगैरह आने वाले हैं. कितने टाइम बाद बॉक्स क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ. लास्ट गर्मियों में मेरी ख्याल से अच्छी तरीके से खेला था हमने. सो आई एम वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स टू कम. के को ड्रॉप करने के बाद आई जस्ट गॉट फ्रेश एंड वो लोग आ भी गए. अंडे खा रहा था मैं तो यहाँ खड़े खड़े. क्या हाल चाल? ओके, हमारे कैप्टन साहब भी आ गए फैंटम्स के. भी कैसा लगता है भैया? आप नहीं गए ना मैच देखने? कैसा यार मैच? मैंने पता है सोचा था कि संडे सुबह आऊंगा. तो क्या बोल, फर्स्ट डे हुआ भाई, तो वासु की टिकट थी 5000 वाली. हमने कहा 5000 वाली टिकट है तो भाई पूरा मैच देखने जाओगे? क्योंकि हमारे लॉन्डन राहुल की भी एक डिफरेंट स्टैंड में थी. सारी टीम गई हुई थी हमारी, पूरे ग्राउंड में फैले हुए थे लड़के. तो क्या हुआ, वासु के पापा आए, मैच खत्म होता 4:30 बजे. वासु के पापा पहुंचे 4 बजे. हमने कहा अंकल अब क्या करने आए हो? कौन से डे? फर्स्ट डे का बताता हूँ. अंकल कहते नहीं बेटा, मैं सुबह उठा, मैंने लंच के बाद देखा मयंती लंगर आई हुई है, तो मैं तो मयंती को देखने आया हूँ. ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल, क्योंकि उसके बाद तो प्रेजेंटेशन ही मिलती है देखने को. 4 बजे आओगे तो भाई शुभमन आया था 2 ओवर के लिए. दिल्ली का लड़का है जलील भाई, उसने तो उसकी जर्सी उतार दी होगी. हमारी भाभी कैसी हो? ये कुछ नहीं भाई, विराट आया तुझे. विराट ना स्लिप से नहीं हिला पूरे टाइम, ठीक है? उसने कैच पकड़ी, हैंड्स कम किया चट्टू की बॉल पे. पूरा ग्राउंड क्या चिल्ला रहा था, गेस कर. मतलब तू तो था नहीं ऑब्वियसली, एक बार गेस कर. राहुल भी आप भी एक बार गेस करो, क्या बोलेंगे विराट को? राम के छोले भटूरे. नहीं तो पता क्या बोल रहे थे? बैन स्टोक्स. फिर ड्रिंक्स ब्रेक चला, फिर वासु बोलता रहा पापा ड्रिंक्स ब्रेक है, आप फ्री का खाना भी है, प्लीज आ जाओ. बैट का मैं जाया 95 पे ही 7. वासु के पापा कहते हैं बाकी क्या करूं, 5000 की टिकट है, बाकी क्या करूं, 4 एक ही रन पे तो 4 विकेट होगी. पुजारा का 100th टेस्ट था भैया. आप मानोगे नहीं, पुजारा जब आया ना बैटिंग करने, हर एक बंदा ना खड़ा हुआ था, तालियां मार रहा था, ग्राउंड कांप रहा था. मतलब इतना बड़ा मोमेंट था उसके लिए भी. ऑब्वियसली 100th टेस्ट यार, सिर्फ 13 बंदे खेले. जल्दी में एक और हो जाएगा. कौन भाई? देर साइड में तो बैठा है. अच्छा अच्छा अच्छा, 100 टेस्ट इसको बोलो. फैंटम्स के तो पहले 100 मैच कर अपने. हम लोग अभी आए थे बॉस्को पब्लिक स्कूल में, ये अपना पश्चिम बिहार में, और इसी के साइड में भी एक है गुरशरण वाला, जिसमें हम लोग लास्ट टाइम खेले थे. बट बॉस्को में भी खेले हुए. इट्स नॉट अ न्यू ग्राउंड फॉर अस. भाई ये वही वाला भूतिया स्कूल तो नहीं है कि वो गुरुशरण था? कुर्सियां हिलती थी और लॉक्ड रूम के अंदर ऐसी आवाजें आती थी. एशले हाथ धो ले.
कैसे हो स्टार प्लेयर? तो हम लोग की टीम बढ़ चुकी है अभी। हम लोगों की टीम जो है वो इन लोगों के अगेंस्ट खेलेगी और ये लोग हारने वाले हैं। ये बेयर ग्रिल्स है भाई, स्टार्ट कर ले भाई। भाई आपकी इजाजत हो तो भैया चकमक पत्थर दे दे तेरे को भाई। सुन अब नहीं आ रहा जा, तो हमारी टीम में। अरे यार पहला उर्दू डाल रहा है। कैच इट छे पचास तो भैया ऐसे भी हो जाएंगे। बीच का बिच्छू गाइस इसको कॉमन दिखाओ गाइस, हमारी टीम का कॉमन है। उन्होंने बैटिंग नहीं तेरे को वो बढ़िया पकड़ के ओवरथ्रो है भाई। छक्का क्या लगता है हो जाएंगे चेस? हाँ हाँ इजी यार। वाइट बॉल आउट। नो बॉल दी नीचे थी यार, डिप कर गई थी। चलो मार दो बैट। हेलो मारो। चल गया। कितने बनाने हैं? 52 बना देना प्लीज। भाग गया जादू, भाग गया। पागल है क्या? कैसी बात? जादू नॉट आउट रहा ना। जो आउट होता है ना वो करते नहीं है, वैसे रोते रहते हैं। ओह भाई डायरेक्ट हिट मार दिया इसने। वीडियो चाहिए तो बता दियो। तो इसमें लूजर्स टू बॉल होगा क्या? नहीं नहीं टॉस होता भाई, वापस टॉस होगा ना फिर। ठीक है जीतेंगे इसमें, वो डाल दिए वीडियो, हमने जीत गए। किसी को क्या पता। डाल लेते हैं वीडियो भाई, पहला मैच जीत। खैर एडिटिंग में देख लेना भैया थोड़ा सा। सर ओ शॉट यार, टू शॉट। ओए 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 अबे तू भागता तो तू बोलता क्यों नहीं है? भागा तो बोल मर्फी। चश्मे मेरा बॉलिंग कर रहा हूँ भाई। तू डाल ले चश्मा करके दिखा ब्रो। वो बोल्ड है। कहाँ लग? बोल्ड है। अरे पहले से थोड़ी लगी है यार, क्या बात कर रहा है? विकेट में लगी है? मैंने देखा नहीं, मैंने बॉल देखा नहीं। लास्ट वाली बॉल नहीं लगी है स्टंप यार। इतना अब तो आप लोगों का प्रूफ है मेरे पास। ये अगर व्लॉग नहीं कर रहा होता तो भाई आउट दे देते लड़के को। जादू प्रूफ भी दे दिया तो। इन लोगों ने ओआरएस लिया तब भी नहीं कुछ कर पाए। ओआरएस नहीं डीआरएस होता वो। वैसे मैच तो हार गए बट हम लोगों ने दिल जीत लिया पता है। फेयर प्ले से पहली गलती नहीं की थी भाई। नो बॉल और छक्का। छक्का भाई, नो बॉल और छक्का है भाई। चार बॉलों में 13 रन। चल फ्री है क्या? इसमें फ्री होता है हमारा भाई। टॉस होता है ना हर मैच बाद, क्या हो रहा है? पागल है क्या? ये जनकपुरी के लौंडे हमेशा रोते रहते हैं। पूछ रहे हैं तो टॉस कर लेते हैं ना। आजा तेरे ओपनिंग नहीं दे रहे क्या? मैं जाऊंगा फिर एक ओवर में खत्म हो जाएगा मैच। ओ शॉट यार, चार रन यार। तू भी नहीं गया? मैं गोवा में था यार। तो सही में यार ये क्या रन आउट करा दिया यहाँ से शहबाज केतन। रुके रुके हाथ में शॉट यार केतन। गुड बॉल
शॉट यार केतन, क्या कर रहा है? दे 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 बॉल, पानी पानी। गुड रन गुड रन, टॉप स्टफ यार केतन। ठीक है, ठीक है। बलिदान हो गया यार ये तो। 10 रन चाहिए ना, जीत जाएंगे तो। जा तू गया था इंडस्ट्रेलिया देखने? अरे मैं जा नहीं था, सो रहा था। मेरा टिकट तो हमारे पास भी बड़ी थी, मैं सो रहा था। मैं तो इतनी अमीरी है, मेरे को नहीं पता था भाई कि मैं सो रहा था। केएलराहुल को निकाल के मेरे को बुला रहे थे, मैंने कहा रहने दो यार। फिर शुरू हो गया, शादी हुई बेचारे की, घर भी चलाना है उसको। पानी पिलाया यार वाटर बॉय। जीत गए क्या? जाओ तेरा पजामा गीला हो गया पीछे से, क्या कर रहा है? प्रेशर फील हो रहा है क्या? शॉट यार, छक्का। बढ़िया बढ़िया, बोल देना रेडी है ना भाई। तो शॉट यार वासू, ये तो रेडी था। चलो आ जा, चलो 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 चलो। कहां आउट है? 29 रन्स टू विन बैक। अच्छा दिन का आयुष, भाग 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 भाग, सिंगल तो भाग यार। देख देख देख, भाग जा भाग जा भाग जा, तू भाग भाई। क्या कर रहा है? नॉट आउट। मैं और तुषार बैठे करते, हमेशा पहले यही आउट होता है। मैं कैमरे में देख रहा था, मेरे को आवाज तो आई है यार। Now we are going back home, और अभी खेल के मजा तो आया। Guys, I'm back home. अभी जाके ऊपर सोता हूँ। It's been a very long day. I hope guys आप लोगों को व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो make sure to hit the like button and hit the subscribe button as well. मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में। ख्याल रखिएगा as always, but take care. Peace out. Bye. Very unusual अपने व्लॉग के अंदर एंटर करते करते आज एंड कर रहा हूँ। But anyways, bye. Good night. Peace out. इतना कॉपी करता है।